बालों से अब नहीं छुपी है आंख और मूछों से अब नहीं छुपे हैं होठ, इसलिए निकाल लो भैया इस वीडियो में जितना निकालना है तुम्हें खोट। आज मैंने अपने रूम को लॉकडाउन करके रखा है, खिड़कियां बंद करके रखी क्योंकि मुझे लगता है जैसे ये सुंदर शक्ल को लेकर मैं खिड़की पे बैठूंगा वैसे यूट्यूब व्यूअर्स के अलावा भी सारे मोहल्ले वाले आके। सो देखियो सज्जनों, ऑन दैट नोट, हेलो जी की हाल चाल, साडा नाम इशबान, साडा नाम आई भाई फैमिली, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज थोड़ा सा सीरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर आप मुझे आज के 24 घंटे में से 5 मिनट देंगे तो आई गारंटी कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू लेके जरूर जाएंगे। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो 3 हिस्सों में है। फर्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोविड रिसर्च बाई आकांक्षा पसारी सतनालिका, सेकंड इज आपका और हमारा डिस्कशन ऑन रिसर्च एंड इंडिया में क्या चल रहा है, एंड थर्ड इज समथिंग रिलेटेड टू दिस। तो अब आप जिनको देखने जा रहे हैं शी इज अंकु दीदी, शी इज लाइक फैमिली, तो पूरा सपोर्ट करेंगे उनको और 2 मिनट लगेंगे, रिसर्च थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो समझने की कोशिश करना, और बच्चों अगर आपको ना समझ आए तो हम तो है ही यहाँ पे, डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और मानेंगे, तो आप उनकी बात सुनो फिर हम मिलते हैं। हाय इशबान, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। रिकवरी रेट और मॉर्टेलिटी रेट लेके मैं एक रिसर्च कर रही थी बिकॉज लॉकडाउन हैज मेड एवरीवन को मैड, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, फोकसिंग ऑन की एक्टिव रेट्स कितने हैं कंट्री में, लेट्स एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन द नंबर ऑफ केसेस दैट हैज बीन क्योर्ड और द मोर्टालिटी रेट। इन दैट वे इफ वी कैलकुलेट द परसेंटेज तो हम लोगों को थोड़ा सा शायद पॉजिटिविटी लगेगा कि हाँ this much cases have been cured. Either we look at the active cases which gives us a little of depression ki so many cases are increasing every day, or there is also a way of looking into it is the how many cases have been cured. That is the positive way I feel personally, because that helps me go through it very nicely during the lockdown. Now I'll show you how I have made that chart. So you can see that Andhra Pradesh was having 8% and now it has 47%. So we can see that major is the recovery rate, which means the number of active cases is slowly decreasing. Arunachal Pradesh, we can see that it is 100%. Assam was 29%. Slowly it reached to 78%. The graph is changing slowly and gradually. So Punjab also was actually decreasing, but for now if you see there has been a huge recovery rate. So this way we can see even if the cases are increasing every day, but still the recovery rate is also at a good rate. So you can see that the number of states above 50% range is also slowly increasing. It was 7%, then it was 10, then 11, then 12, then 14, then 13, then again 15, and now I think majorly it is 19 states which are above 50%. So you shouldn't get frightened by the pandemic, but instead take precautions against it, and this COVID would continue for a long as we know. Let's wait for the vaccine or the precaution or the medicine to come out, and no need to worry, just take precaution. इन ब्रीफ अगर हम रिकैप करें तो बेसिकली यहाँ पर सारे स्टेट्स जो हैं लेफ्ट में, आंध्र, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, एक बार आप कौन से स्टेट्स हो प्लीज जरूर कमेंट करके बताना। अब देखो आप, ऐसा है कि जो परसेंटेज है वो परसेंटेज क्या है, वो रिकवरी परसेंटेज है, मोर्टेलिटी परसेंट नहीं। रिकवरी मतलब कितने लोग को हो रहा है, उसमें से कितने लोग एकदम रिकवर करके निकल रहे हैं कोरोना वायरस से। जहां पर 50% ज्यादा रिकवरी रेट है वहां पर ये उन्होंने ब्लैक सर्कल किया है। एक तो पहली बात अंकु दीदी, 4 साल की अपनी इंजरी में मैंने इतनी कभी मेहनत नहीं की जितनी ने इसमें कर दी, सो रियली प्राउड ऑफ यू, वेल डन। उनका कहना ही है कि धीरे धीरे बहुत सारी जगह रिकवरी रेट बढ़ रहा है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। डेफिनेटली केसेस की मात्रा बिल्कुल कम नहीं हो रही, स्पेशली लॉकडाउन 4.0 के बाद, लेकिन रिकवरी भी हो रही है। मतलब जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो कोविड वॉरियर्स हैं, कुछ तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हैविंग सेड दिस, अगर हम नीचे जाएं तो स्टेट वाइज जो लिस्ट है, नंबर ऑफ स्टेट्स और जिनकी 50% अबव रेंजेस है, जिस स्टेट में 50% या उससे ज्यादा रिकवरी हुई है, तो धीरे धीरे पहले 7 स्टेट थे, फिर 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15, 15, 15, 15। अब ये सवाल मैं आपके ऊपर रखना चाहता हूँ कि ईमानदारी से बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया में जो कोविड केसेस का जो रेट बढ़ रहा है, जो रिकवरी हो रही है, जो डेथ्स हो रही है। क्योंकि दोस्तों अगर हम डेथ्स की बात करें तो एक बहुत सैड न्यूज है जो मैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया मैं इसको कैसे शेयर करूं, क्या बोलूं। जो हमारे देश में श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी, जो लेबर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को ले जाने की ट्रेन चलाई गई थी, उसमें हजारों हजारों लेबर्स की डेथ हो रही है। एक पिक्चर एक प्लेटफॉर्म पे माँ लेटी है और उसका एकदम नन्ना मुन्ना बच्चा उसकी ब्लैंकेट खींचे जा रहा है, एंड टर्न्स आउट की माँ के अंदर अब जान ही नहीं है। ऐसी भुखमरी के कारण ऐसे कई चीजें हो रही हैं, फिर से लोग सोचेंगे पॉलिटिकल हो जाएगा, सैड। मतलब अब हाल ये हो गया है कि जो हमारा सोसाइटी स्ट्रक्चर है उसकी असलियत सामने आ रही है, और ये असलियत क्या है, असलियत इज बेसिकली वैल्यू फॉर लाइफ। गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी अभी है हमारी, उसमें हर इंसान की जो वैल्यू फॉर लाइफ है
वो बहुत वैरी करती है। जो अमीर है उसकी लाइफ को ज्यादा वैल्यू किया जाता है और जो गरीब है उसकी लाइफ को बिल्कुल वैल्यू नहीं किया जाता है। खैर हम मूव करते हैं हमारे थर्ड और आखिरी पार्ट ऑफ दिस वीडियो में। सो IIT खड़गपुर के मेरे एक फ्रेंड है अमन कुमार, उन्होंने कुछ चीजें भेजी क्या, वो खुद ही आ गए, आप खुद ही देखिए। गाइस तो हमारे घर के कोई नीचे है, मैं उनको ऊपर बुला रहा हूँ, मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ एक बार। सो दिस इज समथिंग, इसको मैं अनबॉक्स करेंगे हम। इंडिया शील्ड्स, एक और इंडिया शील्ड्स। कितने शील्ड्स हैं? अभी अनबॉक्स नहीं करेंगे इसको, बाद में वीडियो पे ही करेंगे सबके सामने। हाँ तो भाई अपने सब्सक्राइबर्स को ये भी बता देना कि अगर कोई हमारे वेबसाइट से 3000 के ऊपर अगर परचेस करता है तो दे कैन यूज कूपन कोड इंडिया शील्ड्स 2020, जिससे उनको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड उसके अलावा अगर कोई 5000 के ऊपर परचेस कर रहे हैं तो उनको फ्री शिपिंग है ऑल ओवर द इंडिया। तो ये इंडिया शील्ड्स के कुछ पैकेजेस हैं। थैंक यू अमन ब्रो। तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह है नहीं, ऑब्वियसली अमन इज अ फ्रेंड। आप चाहे तो खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं इंडिया। तो इन पैकेजेस को हम अगली वीडियो में अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि अगली वीडियो जो है वो अलग ही घमासान लेवल की वीडियो है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर ये व्लॉग्स की शुरुआत के करियर में मुझे आप लोगों को ये जो कल मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आपको, पूरी जो दिनचर्या है। तो यार अमन से बात करनी पड़ेगी, थोड़ा डिस्काउंट दिलाते हैं हमारे आई फैमिली सब्सक्राइबर्स को, है ना, कुछ कूपन वूपन जनरेट करवाते हैं। आप सब कमेंट्स में अंकुश दीदी को कांग्रेचुलेट कीजिए, आकांक्षा पसारी सपनाली का। सो थैंक यू दीदी एंड थैंक यू अमन ब्रो फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए तो मैं इंडियंस बीमार नहीं होना चाहिए बच्चों, नहीं तो मिस्टर आर्य व्लॉग्स के व्लॉग्स कैसे देखोगे भाई। चलो सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।